जी प्रकट होकर उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था जी द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को शिव जी ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। अच्छा, तो उस ज्ञान से ही वो कौरव और पांडव के गुरु बने जी। दोस्तों, साल 2023 मेरे लिए कुछ अच्छा था नहीं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मेरे लाइफ में आए और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा। तो जैसे ही साल 2024 का शुरुआत हुआ, मैं सोचा कि इसको अच्छे से जीऊँ, इसीलिए साल 2024 के स्टार्टिंग में ही पहले दिन मैं निकल पड़ा महादेव जी का मंदिर, जो कि देहरादून में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, टपकेश्वर महादेव। अगर दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है कि टपकेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसका क्या हिस्ट्री है, तो आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इन डिटेल आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आगे महाराज जी पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि इसका क्या हिस्ट्री है। टपकेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है ये मंदिर का। टपकेश्वर महादेव मंदिर यानी कि अगर हम बात करें तो ये महाभारत काल का मंदिर है, जिस समय महाभारत हुआ था उस समय का मंदिर है। जो पांडव और कौरव के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो यहाँ पे तपस्या किए थे और उनके जो बेटे थे यानी कि अश्वत्थामा, जो कि 8 चिरंजीवियों में एक है, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। और इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री है जो कि महाराज जी आपको वीडियो में आगे बता देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे आगे बढ़ता गया, मैं सोचा था कि आपको तो पूरा मंदिर का दिखाऊं कि कैसा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक पॉइंट के बाद कैमरा अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, मैं एज ए एक्टिव सिटीजन कैमरा नहीं लिया। अगर मैं अंदर का एक्सप्लेनेशन दूँ आपको, तो दोस्तों अंदर बहुत ही सुंदर है। महादेव जी का लिंग ऐसे बोल सकते हैं एक गुफा के अंदर है, और वो गुफा के ऊपर से यानी कि वो गुफा के छत से बोल सकते हैं हम लोग, 12 महीने पानी टपकता रहता है महादेव जी के लिंग के ऊपर, और इसी के कारण ये मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर है। दोस्तों, आगे आप देखिए कि महाराज जी इस मंदिर के बारे में क्या हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। यहाँ पे महाभारत काल में कौरव पांडवों की लड़ाई से पहले, हाँ जी, गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या किया था जी, शिव जी का जी। तो शिव जी प्रकट होकर उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था जी, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को शिव जी ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। अच्छा, तो उस ज्ञान से ही वो कौरव और पांडव के गुरु बने जी। और उसके बाद उनका लड़का अश्वत्थामा पैदा हुआ था, यहीं पे पैदा हुआ था, पैदा तो द्रोणगिरी में ही हुआ था जी। तो फिर उनको माँ का दूध नहीं मिला जी, तो उन्होंने भी अश्वत्थामा जी ने भी शिव जी का तपस्या किया, तो शिव जी प्रकट हुए जी। अश्वत्थामा को चिरंजीवी 8 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा भी है, उनको उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान दिया जी। और उनको दूध नहीं मिला था, तो भोले बाबा ने अपने ऊपर दूध चपकाना चालू करा, वही दूध अश्वत्थामा जी ने पान किया था, खाया था, पिया था उन्होंने जी, जी। उसके बाद धीरे धीरे जब द्वापर युग खत्म हो गया जी, तो कलयुग में जाके लोगों ने, तभी दूध आता था, अब ये तो हम भी बुढ़े हो गए, उससे पहले पहले लोगों ने कहा सुना कि वो लोगों ने मिस यूज करा, तो वो दूध की जगह पानी अभी भी टपकता है, पानी अभी भी आ रहा है, अभी भी टपकता जी। यहाँ का विशेषता ये है, और बाकी धार्मिक ग्रंथ में किसी किसी में है, अब ये मेरे को अभी याद नहीं है, वहाँ लिखा भी हुआ है, और वो पुस्तक जो G20 में उतर वो मोदी जी ने जिनको वो किताब बांटा था, उसमें भी यहाँ के विषय में लिखा है। तो दोस्तों, नया साल शुरू हो गया है और नया साल का शुरुआत मैंने यहाँ पे टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर आके किया। यहाँ मंदिर का मान्यता बहुत है, जो कि आपको महाराज जी ने अभी रिसेंट बताया होगा, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है और इसका मान्यता बहुत है, बहुत दिनों से ये मंदिर है। यहाँ पे बोला जाता है कि अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था, और बाकी हिस्ट्री तो आपको महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया होगा। और
वैसे नए साल का शुरुआत मेरा बहुत अच्छा हुआ अभी 2024 का। देखते हैं कि आने वाले समय में कैसा होता है। बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि हम लोग नए साल की शुरुआत में ही महादेव जी के अभी दर्शन करके आए हैं। तो अगर आप लोग यहीं आसपास से हैं तो आप टपकेश्वर महादेव मंदिर ज़रूर एक बार आइए। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कौन से जगह हमें जाना चाहिए वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। जय हो, सबका कल्याण।